हेलो एवरीवन लास्ट वीडियो में हमने किया था आइलर फॉर्मूला प्रूफ आज हम कर रहे हैं आइलर फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन जो हमारे हमारे पेपर्स में आते हैं तो हमारे पास क्वेश्चन आएगा वेरीफाई आइलर फॉर्मूला फॉर फॉलोइंग ग्राफ जितने भी ग्राफ गिवन होंगे एक भी ग्राफ हो सकता है दो भी ग्राफ हो सकते हैं तो सबसे पहले हमारा आइलर फॉर्मूले में क्या होता है कि कनेक्टेड प्लेनर सिंपल ग्राफ होना चाहिए तो ये हमारा सिंपल ग्राफ है नहीं सिंपल ग्राफ कनेक्टेड प्लेनर प्लेनर ग्राफ क्या बोलता है कि एक भी एज एक दूसरे को क्रॉस नहीं करनी चाहिए तो सबसे पहले तो जिस ग्राफ के हमने आइलर फार्मूला वेरीफाई करना है उसको प्लेनर ग्राफ में कन्वर्ट करेंगे प्लेनर ग्राफ में कन्वर्ट करने के बाद उसकी एजेस काउंट करेंगे उसके वर्टिसेस काउंट करेंगे और उसके रीजन काउंट करेंगे फिर इस फॉर्मूले में पुट करेंगे अगर दोनों लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाती है तो इसका मतलब हमारा आइलर फॉर्मूला इसमें वेरीफाई करता है ओके okay, तो यहाँ पे E का मीन्स होता है नंबर ऑफ एजेस V का मतलब होता है नंबर ऑफ वर्टिस या वर्टेक्स बोल लो और R होता है हमारा नंबर ऑफ रीजन तो अब देखते हैं इस क्वेश्चन में कैसे होगा तो ये क्वेश्चन है ये सबसे पहले तो प्लेनर ग्राफ नहीं है इसको प्लेनर ग्राफ बनाओ तो प्लेनर ग्राफ बनाने के लिए तो देखो इसको प्लेनर ग्राफ में कैसे करेंगे सबसे पहले तो ये वाला ट्रेंगल बना लो ठीक है ये तीन तो बन गए ये एफ है अपना ये डी है और ये है अपना बी इसके बाद देखो ये वाली भी कर सकते हैं हम ये भी एक दूसरे को नहीं काट रही एक ऐसे और एक ऐसे ये अपनी ई है वर्टेक्स, ठीक है इसके बाद देखो ये वाली हमें इस काट रही है तो इसको हम ऐसे कर लेंगे ए ऐसे ठीक है ये हमारा A है इसके बाद ये वाली भी काट रही है तो इसको भी नीचे से ऐसे ये हमारी सी हो तो ये हमारा बन गया प्लेनर ग्राफ अब हम इसके रीजन काउंट करेंगे एजेस काउंट करेंगे वर्टेक्स काउंट करेंगे और उसके बाद इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो सबसे पहले देखो रीजन काउंट करते हैं एक रीजन ये है रीजन वन रीजन टू एंड रीजन थ्री है ना तीन ही रीजन बने इसमें तो यहाँ पे पुट कर दो तीन क्योंकि ये बाहर वाला भी इसी में है यहां पे से ये जा तो नहीं रहा ना ये बंद तो थोड़ी है बंद होता तो रीजन फोर भी होता है यहाँ पे लेकिन थ्री है एजिस काउंट करो देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एजिस हैं सेवन लिख दो माइनस वर्टेक्स देखो इसमें वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स हमारी इसमें वर्टेक्स है प्लस टू ओके तो यहाँ पे थ्री इज इक्वल टू अगर ये इक्वल आ जाते हैं तो ये वेरीफाई कर देंगे एलर फॉर्मूले को नहीं तो ये वेरीफाई नहीं करेंगे तो देखो सेवन प्लस कर लो पहले ठीक है देखो सेवन माइनस वन यहां पे वन आ गया इनको माइनस करेंगे प्लस टू तो थ्री इज इकल टू थ्री तो ये वेरीफाई कर रहे है वेरीफाई आइलर फॉर्मूला ऐसे ही अब दूसरे ग्राफ को देखते हैं बी देखते हैं तो बी में देखो इस ये प्लेनर ग्राफ नहीं है क्योंकि ये दो एजेस काट रही हैं एक दूसरे को तो सबसे पहले इसको प्लेनर ग्राफ में कन्वर्ट करेंगे उसके बाद हम काउंट करेंगे कितनी एजेस है कितने वर्टिसेस है और कितनी रीजन है तो देखो सबसे पहले तो जो काट नहीं रही उनको ऐसे कि ऐसे बना दो ये ऐसे बन गया ठीक है ये वाली भी नहीं काट रही इससे भी कोई दिक्कत नहीं है और इससे भी कोई दिक्कत नहीं है ओके तो पहले वर्टिसेस के नाम लिख लो ए बी सी डी ई एफ इसके बाद देखो ये एज है जो इसको हम बाहर की तरफ से ले लेंगे ऐसे ठीक है और जो ये एज भी इसको ये वाली एज इसको रिमूव कर रही है इसको काट रही है तो इसलिए यहाँ से इसको रिमूव कर देते हैं और यहाँ ले आते हैं तो अब ये ग्राफ बन चुका है अब इसमें काउंट करेंगे कितने रीज़न बन रहे हैं देखो इसमें एक रीज़न ये है एक ये है एक ये थ्री रीज़न फोर रीज़न फाइव और एक बाहर वाला रीज़न रीज़न सिक्स तो अब रीज़न काउंट हो गए अपना फॉर्मूला था आर रीजन की जगह अपने आ गए सिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ एजेस एजेस काउंट करो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन टेन अपनी एजेस हैं अब वर्टेक्स काउंट करो एक वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स ठीक है प्लस टू अपने फॉर्मूले में ही था अब देखते हैं ये सही है या नहीं सिक्स माइनस टेन माइनस सिक्स इज इक्वल टू फोर प्लस टू तो सिक्स इज इक्वल टू सिक्स तो ये अपना वेरीफाई हो गया आइलर फॉर्मूला तो इनसे रिलेटेड ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आइलर फॉर्मूला के तो सबसे पहले हमें क्या करना है सबसे पहले हमें करना है उस सबसे पहले हम ग्राफ को देखेंगे अगर वो ग्राफ प्लेनर ग्राफ नहीं है तो उसको कन्वर्ट करो उसके बाद हम रीज़न्स काउंट करेंगे एजेस काउंट करेंगे वर्टिसेस काउंट करेंगे और इस फॉर्मूले को ध्यान में रखना ये हमारा आइलर फॉर्मूला है तो अगर ये फॉर्मूला अगर भूल जाते हो तो फिर आपका क्वेश्चन भी गलत हो सकता है तो सबसे पहले मेन इंपॉर्टेंट तो इस फॉर्मूले का ही है ये फॉर्मूला याद होगा तो इसमें वैल्यूज़ पुट कर दो अगर लेफ्ट हैंड साइड इज टू राइट हैंड साइड आ जाती है तो ये वेरीफाई करता है आइलर फॉर्मूले को अदरवाइज़ ये नहीं करता ओके थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो